एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा और आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के दिमाग में हमेशा बने रहें, हमेशा ये वो आपको याद करते रहें, आप जैसा चाहते हैं वो वैसा करें, आपको हमेशा मिस करते रहें और खुद से कॉन्टैक्ट करें, आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही, आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से कोई काम निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सेलेक्ट करें उस काम के लिए, या फिर आप कोई इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे आप चाहते हैं कि आप उस वो आपको चूज करें, या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, या आपका पार्टनर, या आपके हस्बैंड या वाइफ, आप उन लोगों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। तो आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जिससे आप जिसके दिमाग में रहना चाहते हैं, पूरे टाइम छाना चाहते हैं, पूरे टाइम बसना चाहते हैं, तो वो आज जरूर होगा। एक छोटी सी मेडिटेशन, ये आपको आपके पार्टनर के दिमाग में हमेशा रखेगी। जी हाँ, वो आपके बारे में भूल ही नहीं पाएंगे, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपके लिए पॉसेसिव हो जाएंगे, आपको मिस करते रहेंगे और बार बार कॉल और मैसेज खुद करेंगे और आपसे शादी करेंगे अगर आपसे वो शादी करने के लिए मना करें। और इनफैक्ट इस मेडिटेशन को आप किसी के लिए भी स्पेसिफिक किसी के लिए भी आप चूज कर सकते हो, यानी कि किसी से आपको अपना कोई भी काम निकलवाना है उसके लिए भी इस मेडिटेशन को यूज कर सकते हो। जी हाँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शाली गुप्ता वास्तु का सर, नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोग अपने सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले एक टेलीपैथी मेडिटेशन के बारे में जिससे आप उनके दिमाग पर छाए रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको मिस करे, आपसे ही बात करे, आपसे लॉयल रहे और आपसे शादी करे, तो इस मेडिटेशन को यूज करना है। इस मेडिटेशन को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जब तक वो पर्टिकुलर चीज आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप दूसरे के लिए यूज नहीं करेंगे। तो आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको तब तक यूज करते रहेंगे जब तक कि उस पर वो असर नहीं हो जाता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ टाइम में आपको खुद दिख जाएगा कि वो खुद से मैसेज कर रहे हैं। अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो खुद से कॉल आएगा, खुद से मैसेज आएगा, और अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो वो खुद ही एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपको बार बार कॉल करेगा या बार बार कॉल करेगी, मैसेज करेगा। अगर मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया है तो मैरिज कमिटमेंट देना स्टार्ट कर देगा या कमिटमेंट देगी। और अगर कोई भी इश्यूज आप लोग के बीच में है, रिलेशनशिप में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सिर्फ आप रहेंगे और थर्ड पार्टी भी अपने आप ही निकल जाएगी। तो इस मेडिटेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। बिल्कुल पहले तो सबसे पहले आप एकदम शांत जगह पर चुपचाप से बैठ जाइए या लेट जाइए। देखिए, ये थोड़ी देर की है, 5-6 मिनट तक अगर आप बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो एकदम शांति से लेट जाइए। इसके लिए आप हेडफोन्स वगैरह अपने कैरी कर लीजिए या हेडफोन्स लगा दीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए, नहीं तो आप इसे ऐसे भी सुन सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको ये सब चीजें चलते हैं। चलिए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अब आप लोग एकदम शांत होके, एकदम रिलैक्स होके लेट जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने अंदर जो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। थॉट्स को बता दीजिए, ये मेरा टाइम है, अब आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल लेट जाइए या बैठ जाइए मेडिटेशन पोज में। अब हम 5 times ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत रखिए, आईब्रोज बिल्कुल शांत, फोरहेड बिल्कुल शांत, लिप्स बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को अपना मैसेज देना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, देखिए वो बिल्कुल आपके ठीक सामने है, बिल्कुल सामने,
अब आप उसको देख पा रहे हैं, अब आप उसको अपनी बात बता रहे हैं कि आप उससे कुछ कहना चाहते हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप उनसे बोलिए कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप उनकी आँखों में देखिए, उनकी आँखों में देखकर आप उनके साथ ये बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। हम दोनों साथ रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा मैं आपके दिमाग में रहता हूँ या रहती हूँ। आप सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं, आप सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। आप और मैं दोनों एक साथ अगर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप सारा दिन मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। आपके दिल दिमाग में मैं पूरी तरीके से छाई हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यूनिवर्स ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चूज़ किया है। यूनिवर्स भी चाहता है कि हम दोनों साथ रहें, और इसी वजह से आज मैं आपके साथ हूँ। आप उनका हाथ पकड़िए और अपने हार्ट के पास टच कीजिए और उनको बताइए कि मेरा प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है। आप और मैं हमेशा साथ रहें तो खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को साथ रहकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप मेरे लिए एकदम परफेक्ट हैं और मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आज हम दोनों एक हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम दोनों पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, और अब हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। आप मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। जब भी मैं फ़ोन देखती हूँ तो आपका मैसेज होता है मेरे फ़ोन पर और मैं मुस्कुराती हूँ। थैंक यू, आपका कॉल आया। थैंक यू, आप मुझे मिस करते रहते हो। थैंक यू, आप मेरे लिए पॉसिबल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों को एक करने के लिए। अब धीरे धीरे आप लोग इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे और इस मेडिटेशन को आप कभी भी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते। गुड लक।